शायर खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने 5,000 अरब रुपए का कर्ज वापस किया है तो 12,000 अरब रुपए का कर्ज लिया भी है, क्या फरमाइएगा? देखिए, मैंने सुबह उनकी तकरीर अभी शेख साहब की सुननी थी, और आप भी जो आपने क्लिपिंग दिखाई और जो बातें हुई हैं हमारे कोलीग्स ने, फेलो कोलीग्स ने जो बात की, तो सुबह तो हफीज़ शेख साहब की स्पीच में ये पता चल रहा था कि हर चीज़ पहले से बेहतर हो गई है, हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ऑटोमोबाइल की सेल इतने 100% बढ़ गई है, एटलस मोटर, होंडा मोटर, सुजुकी, ये वो ऑटोमोबाइल सेक्शन है जिसकी 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन भी कम हुई है और सेल भी कम हुई है। दूसरे जो आप बात कर रहे थे महंगाई की, तो महंगाई में कोई भी एक आदमी से इनकार नहीं कर सकता है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं महंगाई के। अफराते दर जो है वो 14.6% पे, और प्रोजेक्शन आगे की फ्यूचर के 18-19% की आप बात कर रहे हैं। ये बार बार कह देना कि हम विरसे में हमें ये मिला था, लोग तंग आ चुके हैं इस बात से। भाई, अगर वो अच्छे नहीं कारकर्दगी कर रहे थे तो आपको लाए हैं, आपके पास बैलेंस शीट थी, आपको पास फाइनेंस का आदमी, आपने अनाउंस कर दिया था, एक रोड मैप आपने बनाना था रिफॉर्म्स के लिए जिससे लाके सूरत हाल बेहतर करते, वो नहीं की गई। एडॉक मेजर्स होते रहे, टीमें बदलती रही। फिर जो चीज़ मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, वो उसमें ये बात करना कि जी आने वाले वक्त में हमें जो चैलेंजेस हैं वो हमने सब कंट्रोल कर लिए, अब ग्रोथ का साल है, अब नई जॉब क्रिएशन होगी कि अब टूरिस्ट आएंगे, अब एक्सपोर्ट बढ़ेगी। देखिए, यही अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज तबाह बर्बाद हो गया है।